बात, चीन से निपटने को सेना को खुले छूट, शांति के लिए बात भी जारी रहेगी। भारत और चीन के बीच पिछले करीब एक महीने से जारी तनाव को कम करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। गलवान घाटी में 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद देश में गुस्सा है। इसी गुस्से को भांपते हुए अब सरकार की ओर से सेना को खुली छूट दी गई है। अगर चीनी सैनिक उकसाए तो उन्हें माकूल जवाब दिया जाएगा, ऐसे में प्रोटोकॉल न देखा जाए। दूसरी ओर भारत ने शांति की कोशिशों को बरकरार रखा है। मौजूदा विवाद को लेकर रविवार को भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से चर्चा की थी। सूत्रों की माने तो सरकार की ओर से सेना को साफ कर दिया गया है कि वह कोई भी एक्शन ले सकते हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर सैनिकों की जान खतरे में पड़ती है और चीनी सैनिक खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो सेल्फ डिफेंस करते वक्त किसी भी प्रोटोकॉल की ना सोचे। बता दें कि दोनों देशों के बीच समझौता है कि बॉर्डर पर कोई गोलीबारी नहीं चलाएगा। हालांकि बिना गोली चलाए जिस तरह चीन ने धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया वह भी इस समझौते का उल्लंघन ही था। यानी अगर अब चीनी सैनिकों ने कुछ हिमाकत की तो जवाब देते वक्त किसी भी प्रोटोकॉल के बारे में नहीं सोचा जाएगा।